कमेंट सब्सक्राइब और कर लेना सब ध्यान सब ध्यान कह रहे हैं ठीक छ जय श्री राम बोला हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 3:30 बजे से, तो 3:30 हो चुका है। तो आज मैं जा रही हूँ रामलीला। मैं एक दिन बीच पे नहीं गई थी, तो एक दिन का पूरा जो सीन है पूरा खराब हो चुका है। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे पैर में ना एकदम से ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। आज भी हो ही रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं जितना भी कर पाऊँगी कवर आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये मेरी मम्मा। और मैंने ना रामलीला का ऐसा किया था, जो रामलीला का जो दूसरा दिन था उसको ना मैंने ना 2 पार्ट में कर दिया, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने उसमें लिख भी रखा है 1 और 2। जो रामलीला का दूसरा दिन था उसमें जो सीधा जी थे उनके स्वयंवर भी हो गया था उसी में, तो वही वाला सीन है। तो वो एक ही सीन था, वो मैंने 2 पार्ट में कर देता है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि जो ब्लॉग था वो पूरे 1 घंटे का बन रहा था, तो मैंने उनको आधे आधे घंटे का कर दिया था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया था। तो आज हम जाएंगे रामलीला देखने के लिए, तो देखते हैं आज कौन सा पार्ट है, क्योंकि एक दिन मैं नहीं गई थी तो वाला जो सीन है वो मिस हो गया होगा। तो आज जो भी होगा मैं आप लोगों को वहाँ जाके बता दूंगी। मेरी मम्मी आ रही पीछे से, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट, एक दिन हम लोग नहीं भूलेंगे। जय भोलेनाथ। तो चलते हैं रामलीला देखने के लिए। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मस्त। अब धूप आ चुकी है, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो आधे से सारा सीन मुझे लगा छुट भी गए होंगे, क्योंकि जो रामलीला वो 3 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, हम थोड़ा आधा घंटा लेट जा रहे हैं, तो देखेंगे क्या होगा वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को सीधा वहीं जाके मिलती हूँ जहाँ रामलीला हो रही है, वेडिंग पॉइंट में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहुँच गई हूँ वेडिंग पॉइंट में, और आज है रामलीला में राम जी का वनवास। तो आज वनवास है, तो मैं आप लोगों को आज वनवास दिखाऊंगी, जैसा भी होगा जो कलाकार उनको भी दिखाने का मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि उनके सीन चलते रहते हैं तो तब सही भी नहीं लगता है। तो दिखाऊँगी आप, मैं आप लोगों को। धूप भी आ रही है मेरे मुँह पर रामलीला, और लोग भी आ रहे हैं मेरे पीछे से, और काफ़ी भीड़ भी हो रखी है रामलीला देखने के लिए। तो आप लोग भी जरूर आइए हमारे यहाँ मानपुर में, जो रामलीला हो रही है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को रामलीला। सारे के सारे यहाँ पे कलाकार पूरे यहाँ पे रेडी हो रखे हैं, अब थोड़ी देर के बाद होने वाली रामलीला। अखंड सौभाग्य प्रणनाथ प्रणाम। यह क्या आज आपके मुखमंडल पर उदासी झलक रही है, जबकि आज तो आपका राज्याभिषेक का दिन है। महाराज क्यों
यदि आपने निश्चय कर ही लिया है वनों को जाने का, तो मैंने भी कसम खाई है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यहाँ तुम क्या कह रहे हो भैया लक्ष्मण? वनवास तो मुझे मिला है, फिर तुम कैसे वनों को जा सकते हो? भ्राता जी, इसे आप मेरी जिद समझ लीजिए। कसम खाई है बस मैं। क्यों कर रहे हो मुझे छोड़कर वनों को जाने की क्यों सोच रहे हो? और अब यहाँ पे लक्ष्मण जी भी जिद करने लगे कि उनको भी जाना है वनवास में राम जी के साथ। माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा हो भ्राता जी। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान हो। माता जी प्रणाम। जो जी हो मेरे नाम। माता जी प्रणाम। कल्याण हो। जुग जुग जी हो मेरे नाम। कहो कुशल से तो हो? हाँ माता जी। बेटा, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुना। वहाँ सिया सहित बन जाता है, यहाँ देख नहीं सकती आंखें, इसलिए साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। हे माता, आप धन्य हैं, आपने तो मेरे मन की बात को जानकर ही कह दिया। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव पाणी हो माँ। तुमने माँ तुम्हें समय दे मेरे मन की ही बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता, 14 वर्षों को सिद्धि धरो, इन सर पे हाथ धरो माता। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें कुछ अपनी नसीहत देना चाहती हूँ। लाल मेरे करूँ क्या नसीहत तुझे, लाल मेरे तू तो खुद ही है मुझे से सयाना, तू तो खुद ही है मुझे से सयाना, किस जगह पर पसीना बहे राम का, जिस जगह पर पसीना बहे राम का, तूने अपना वहां पर कमाया। ये मेरी नसीहत को ध्यान में रखना, तुम वनों में अपने भाई और भाभी की सेवा में जा रहे हो, यदि उन्हें कुछ भी हुआ ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है,
आप निश्चित रहे माता जी, और अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम। पिताजी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। बेटा राम, तुम अपनी माता से आज्ञा ले आए हो। ये जो पाठक की गई का पाठक। हाँ माता जी। बेटा राम, अब बन जाने की तैयारी करो, और बन जाने से पहले अपने यह राजस्व वस्त्र उतार कर गैरवे वस्त्र धारण करो। जो आज्ञा हो माता जी। और जो आपकी किसी माता वो बोल रही है राम जी को कि तुम अपने वस्त्र धारण करो, दूसरे वाले वनवास वाले। जब तुम भी बनों की ओर जा रही हो, तो तुम भी ये राजसी वस्त्र उतार कर गैरवे वस्त्र धारण कर दो। रानी 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 हो सावधान, क्यों छेड़ रही तू सांगा है। तूने वन राघव को मांगा, क्या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, तू जोगिन उसे बनाती है। हम जितना तपते जाते हैं, तुम उतना चढ़ती जाती हो। ऐसिया तुम्हारा तो पहले ही बन ही को जाना अनुचित है। चाहती हो तो हठपूर्वक तपसिन का बाना अनुचित है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम। हाँ राम बेटा। चले बन राम की जोड़ी को वनों में घुमा कर वापस ले आना। जो आपके महाराज। We'll be right back.
आयुष्मान हो। मेरे अहो भाग्य हैं जो रघुकुल भूषण ने अपने चरण कमल से इस स्थान को पवित्र किया है। मित्र निषाद राज कहो कुशल से तो हो, सब प्रसन्नता तो है। हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल है। आइए प्रभु आपका सिंहवीरपुर में स्वागत है, चलिए मेरे साथ। हेलो पृथ्वी का पलंग बनाया है इस पर पत्तों का बिस्तर है। बड़का दूत क्या जटा बनाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली जटा बनाई जाएगी? क्या देख रहा है सूरज? कहां पृथ्वी पर है सोना? तो सच में ये डाल दी नहीं सकते।
इस विधि को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी बच की और गई तो मरा समझिए कौशल को। जलद नहीं होती चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घर के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामनी है, जग सृष्टि तलक यहाँ कहती है। कहना माता क्या कैसे अब घी के दिए चलाए हो, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हो। यह भी कहना सुमंत जी, यह भी कहना क्षमा करे, हम देखे वह मददारी है जो कृपा उन्होंने हम पर करी, हम उसके भी आभारी हैं। हे सुमंत जी, दिल की तख्ती पर छोटे थे वचनों को मत लिप लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। माता ने दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर वापस आएंगे, जब चौथा वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके हम पाएंगे। इन चौथा वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मन मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। हे प्रभु, ये कैसी आज्ञा दे दी है। हे सुमंत जी, तुम जितनी जल्दी जा सकते हो जाओ और पिता महाराज को धैर्य बताओ। ठीक है भगवान, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं चलता हूं। गंगा के तट पर चलिए। फ्रेंड्स, जो रामलीला है वो खत्म हो चुकी है। तो आज रामलीला में ये था कि आज राम जी का था वनवास, वो लोग वनवास में चले गए। जो आंटी लोग, जो सबके सब जो महिला है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से रामलीला कर रही है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही भीड़ भी हो रही है, काफ़ी लोग आ रहे देखने के लिए। तो आप लोग भी जरूर आइए रामलीला देखने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब पक्का करना। ओके, बाय।